राज्य में कांग्रेस सरकार और स्थानीय भाजपा विधायक के चलते चौमू में सियासत का पैच फंसता ही जा रहा है। पूर्व वर्तमान में वर्चस्व की लड़ाई के चलते चौमू का विकास कार्य सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर भाजपा विधायक रामलाल शर्मा द्वारा नवनिर्मित अंबेडकर भवन का लोकार्पण ताले तोड़कर करना पड़ा। बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत ने ईओ सरिता बड़सरा को पत्र लिखकर आज उद्घाटन करवाने की बात लिखी थी, जिस पर ईओ सरिता बड़सरा ने असमर्थता जाहिर करते हुए 7 दिन का समय मांगा था। इधर ताले तोड़कर लोकार्पण शहर में चर्चा का विषय बन गया है। पूर्ववर्ती सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की घोषणा थी कि नगर पालिका क्षेत्र में अंबेडकर भवन बनेंगे और उस सरकार के बजट से अंबेडकर भवन बना। नगर पालिका उसकी कार्यकारी एजेंसी थी। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कल ईओ नगर पालिका चौमू को कहा कि हम ये उद्घाटन कर रहे हैं, आप इसकी व्यवस्था करें, लेकिन सरकार की तानाशाह रवैया के आधार के ऊपर ईओ ने अध्यक्ष का निर्देश मानने से भी इनकार किया और उल्टा एक पत्र और लिख दिया कि हम उद्घाटन कराने में सक्षम नहीं है। वसुंधरा राजे जी ने जो बजट घोषणा की थी उसके तहत हर नगर पालिका में लगभग 48 लाख रुपए अंबेडकर भवन के लिए दिए गए थे, उसके तहत आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें माननीय रामलाल जी शर्मा हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनका मुख्य आतिथ्य रहा, और जो अंबेडकर भवन लगभग 40 लाख की लागत से बनकर तैयार